आज का हमारा विषय है सामाजिक बदलाव में कविता की भूमिका। और यह विषय ऊपर से जितना सरल और बड़ा एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचने वाला लगता है, मैं जब इस पर विचार करता हूं तो मुझे इसमें कुछ पेचीदगी लगती है, और इसलिए हम आज इस पर कुछ विमर्श करेंगे। सामाजिक बदलाव में कविता की भूमिका पर कुछ निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हम एक बार सामाजिक बदलाव क्या है, इसकी सामाजिकी क्या है, और यह सामाजिक बदलाव किस तरह से हमारे जीवन और अंततः हमारी कविता को प्रभावित करता है, इस पर भी हम दो बात करेंगे, विचार करेंगे। दरअसल सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। जिस तरह से मनुष्य की शरीर, मनुष्य की काया या तो सामाजिक बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है। हम देखते हैं कि सामाजिक मान्यताएं बदलती है, सामाजिक संबंध रूढ़ियां बदलती है। लोगों को हम ये कहते हुए सुनते हैं, अरे साहब जमाना बहुत बदल गया। तब हमको लगता है कि एक बदलाव निरंतर जारी रहता है। लेकिन सवाल यह है कि जो एक स्वाभाविक समाज में बदलाव होता है, समय के साथ जो समाज के अंतर संबंध, समाज की चेतना जो स्वतः बदलती है, वह सब लोगों के लिए नहीं होती। जो समाज में अधिक जागृत लोग हैं, जो समाज में दूरदृष्टि वाले लोग हैं, जो बहुत आगे तक देख पाते हैं, उनको यह सामाजिक जो स्वाभाविक बदलाव की प्रक्रिया है, यह बड़ी अपर्याप्त लगती है, बहुत धीमी लगती है। उनको लगता है कि यह जो बदलाव की प्रक्रिया है, यह जो बदलाव की गति है, यह सब लोगों के लिए नहीं है। यह बदलाव कुछ लोगों के लिए होता है, यह बदलाव कुछ लोगों तक ही पहुंचता है। तो ऐसे में वे जो अग्रगामी लोग होते हैं, जो समाज के अग्रनायक होते हैं, वे इस सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को धक्का लगाते हैं, उसके बदलाव के जो चक्के को घुमाते हैं, तेज घुमाते हैं, और इस तरह से एक बदलाव वह है जो होता है, एक बदलाव वह है जो लाया जाता है। इन दोनों चीजों में अंतर है। सामाजिक बदलाव स्वाभाविक रूप से होता है, चलता रहता है, लेकिन वह जिन दूरदृष्टि संपन्न लोगों को, जिन लोकनायकों को, जो जागृत लोग हैं, जो आगे के दूरदृष्टा हैं, उनको लगता है कि यह सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया अपर्याप्त है, तो वे इसको गति देते हैं और वे बदलाव को लाते हैं। और यहीं से फिर हमारे सामने पैदा होता है प्रश्न कि इस सामाजिक बदलाव में, जहां एक राजनीति कर्मी यह कहता है कि मेरी भूमिका है, राजनीति की अपनी भूमिका होती है, समाज सुधारक की अपनी भूमिका होती है, एक विचारक की अपनी भूमिका होती है, एक आंदोलनकर्मी की अपनी भूमिका होती है, तो जन सरोकार मंच का आज एक प्रश्न है कि कविता की क्या भूमिका होती है। तो कविता की सामाजिक बदलाव में, सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका होती है, उस पर हम इस पृष्ठभूमि के बाद विचार करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा एक ऐतिहासिक अनुक्रम देखते हैं। हम हमारे नवजागरण काल से, जब से हमारी कविता का नया युग, कविता का नवजागरण, हिंदी का नवजागरण भारतेंदु काल से मानते हैं, तो मैं थोड़ा वहीं से, हम एक समांतर अध्ययन की दृष्टि से जब मैं देखता हूँ, तो 19वीं सदी वह काल थी जब राजा राम मोहन राय सामाजिक बदलाव की एक मशाल लेके चलते हैं।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती कालांतर में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक सोच में बदलाव लाते हैं। उस 18वीं शताब्दी में, उस 19वीं शताब्दी में, जिसके लिए पश्चिमी इतिहासकारों ने जब यह आक्षेप लगाया कि भारतीय समाज बड़ा जड़ एवं गतिशील समाज है, और एक बड़ा प्रसिद्ध वैचारिक वाकिया है जिसकी ओर मैं आपका इशारा करता हूँ, फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसका बड़ा प्रखर प्रतिपादन किया, धर्मपाल जी ने इसका प्रतिपादन किया, अन्य लोगों ने प्रतिपादन किया कि 19वीं शताब्दी के जब उन्होंने आंकड़े बताए भारतीय समाज की गतिशीलता के, और उत्तर दिया कि भारतीय समाज जड़ या गतिशील, अगतिशील या स्थितिवादी नहीं रहा, वह उस समय भी गतिशील था। तो राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने अपनी दृष्टि से, अपने तरीके से सामाजिक बदलाव के लिए काम किया, ज्योतिबा फुले ने उस समय काम किया, सर सैयद अहमद अपने तरीके से सामाजिक बदलाव का काम करते हैं, तो ये सब लोग अपने अपने तरीके से सामाजिक बदलाव का काम करते हैं। एक अग्रधावक के, फ्रंट रनर जिसको कहते हैं, समाज के नायक के रूप में, हो सकता है हम इनमें से किसी के रास्ते को, किसी के प्रयासों में हमारी सहमति ना हो, हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन सामाजिक बदलाव के ये लोग प्रमुख कारक रहे। अब हम उसी के समय समांतर में हम हमारी कविता को देखें, जहाँ से आधुनिक कविता का दौर प्रारंभ होता है, तो हम देखते हैं कि उत्तर शती, 19वीं शताब्दी की जो उत्तर शती थी वह भारतेंदु से प्रारंभ होती है, और उसको नाम ही भारतेंदु युग दिया। तो भारतेंदु प्रसिद्ध कवि उस समय के रहे ही हैं, लेकिन कुछ और नाम जैसे बद्री नारायण प्रेम घन बड़े प्रसिद्ध उस समय के कवि थे, बद्री नारायण चौधरी, श्रीधर पाठक तो बाद में आते हैं, लेकिन पंडित प्रताप नारायण मिश्र उस समय के बड़े कवि पत्रकार थे। तो एक तरफ ये समाज सुधारक थे जो सामाजिक परिवर्तन के एक बड़े भूमिका, बड़ा रोल अदा कर रहे थे, एक तरफ ये हमारे कविगण हैं जो सामाजिक परिवर्तन हम इनमें देखेंगे या देखना चाहेंगे कि इनकी कविता सामाजिक परिवर्तन की कितनी कारक थी या ये कितने उत्तरदायी उसके हैं। हम आगे चलते हैं सामाजिक परिवर्तन को यदि हम इतिहास के क्रम में देखें, तो जब 20वीं शताब्दी प्रारंभ हो गई तो उस समय हम जानते हैं कि उस समय के जो सामाजिक परिवर्तन के बड़े नायक हमारे सामने आते हैं, तिलक हमारे सामने आते हैं, मालवीय हमारे सामने आते हैं, गांधी हमारे सामने आते हैं, भगत सिंह हमारे सामने आते हैं, डॉक्टर हेडगेवार हमारे सामने आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे सामने आते हैं, आचार्य नरेंद्र देव हमारे सामने आते हैं, और इन सब लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रकार से समाज में बदलाव को, सामाजिक बदलाव की गति दी। और इसी के समांतर हम जब कविता के क्षेत्र में देखते हैं, हमारे अपने जिस कविता में हम बदलाव देखना चाहते हैं, तो मैथिली शरणगुप्त इस युग के सबसे प्रखर कवि हम कह सकते हैं, और यों इनके साथ फिर श्रीधर पाठक और अनेक कवि, और थोड़े समय बाद छायावाद के कवि भी इस युग के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारे कविता के प्रतिनिधि के नाते हमारे सामने आते हैं। अब यहीं से हम समाज सुधारकों और कवि की भूमिका में एक अंतर देखते हैं। जब हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में सीधा सीधा इन अग्रनायकों, इन राजनीतिक नायकों, इन सांस्कृतिक नायकों, इन धार्मिक नायकों, इन वैचारिक नायकों का चित्र हमारे सामने आता है। लेकिन हम कविता की दृष्टि से देखते हैं तो जब कविता की भूमिका की तरफ देखते हैं तो हमको थोड़ा सा कविता की निर्मिति की ओर जाना पड़ेगा। हम ध्यान दें कि ये सारे जो मैंने प्रतिनिधि कवियों के नाम लिए हैं और जो आप सब भी जानते हैं, ये सब कविता इसलिए नहीं लिख रहे थे कि इनको समाज में बदलाव लाना है। ये कविता से प्रेम करते थे, ये कवि थे, इसलिए कविता लिख रहे थे, लेकिन सामाजिक बदलाव
इनके अनुषंग में आता है, आनुषंगिक क्रिया के रूप में आता है, वह आए बिना रह ही नहीं सकता, वह बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है, वह उसकी आत्मा में, आत्मा के रस के रूप में आता है सामाजिक बदलाव। लेकिन इन दोनों स्थितियों में एक अंतर है, जब कवि अपनी भूमिका बदल लेता है, जब कवि, चूंकि मुझे कविता लिखनी ही है, मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूं कि मुझे कविता लिखनी है, तब मेरा सामाजिक बदलाव का कविता में रूपांतरण करने का नजरिया अलग तरीके का होगा, वो ट्रीटमेंट अलग तरीके का होगा। और जब मैं यह तय कर लूंगा कि मुझे सामाजिक बदलाव करना है इसलिए कविता लिखनी है, तब मेरा वो कविता के प्रति ट्रीटमेंट अलग तरीके का होगा, तब मेरा लक्ष्य सामाजिक बदलाव रहेगा, कविता गौण होगी, अप्रासंगिक होगी, तब मुझे लगेगा कविता लिखनी है कविता लिखूंगा, मुझे लगेगा कविता छोड़ के मुझे एक्टिविस्ट बनना है तो मैं एक्टिविस्ट बनूंगा, मुझे लगेगा कि कविता छोड़ के मुझे नारे लगाने तो मैं नारे लगाऊंगा, कविता में भी नारे लगाऊंगा मैं, जब मुझे लगेगा कि नहीं मुझे तो सामाजिक बदलाव के लिए कविता अपर्याप्त माध्यम लगता है, मुझे राजनीतिक कार्य करना है, मुझे राजनीतिक दल का सदस्य बनना है, मुझे निर्वाचन में जाना है और फिर सामाजिक बदलाव करना है, तो फिर मैं कविता को छोड़ दूंगा, मैं मुझे लगता है कि नहीं मुझे अखबार चलाना है तो मैं अखबार चलाऊंगा। इन दोनों भूमिका में अंतर है। मैं कवि हूं, मुझे कविता लिखना है, तो मैं सामाजिक बदलाव की छापों को, उन थापों को अपनी कविता में लाने से रोक ही नहीं सकता यदि मैं सच्चा कवि हूं। और जब एक कवि इस तरह से लिखता है कि मुझे सामाजिक बदलाव की सीढ़ी बनानी है कविता, तब फिर वह कविता सीढ़ी की तरह इस्तेमाल होती है, तब फिर वह सबसे पहले कविता का कचूमर निकलता है, सबसे पहले वह कविता का चीरहरण होता है, काव्य प्रक्रिया, काव्य की जो एक संवेदनात्मक प्रक्रिया है उसका होता है, फिर हमारा उद्देश्य केवल दूसरा हो जाता है, कविता अन्य हो जाती है, दूसरा मुख्य होता है। किंतु जब मैं एक अच्छी कविता लिखता हूं, बल्कि हर युग की अच्छी कविता की पहचान यह होती है कि उसकी गहरी संवेदना में मानवीय सरोकार उभर कर आते हैं, मानवीय सरोकारों से वे बची नहीं सकती, वह चाहे कैसा ही कवि हो, बदलाव की ध्वनियां, प्रतिध्वनियां उसकी कविता में आती ही आती हैं, और आज नहीं तो कल, नहीं तो युगों बाद, एक अंतराल के बाद, हजार वर्ष के बाद भी उस सामाजिक बदलाव की आहटें, पगचापें उस कविता में हम सुन सकते हैं। इसलिए हर अच्छी कविता अपनी धड़कनों और धमाकों को लेकर चलती है। ऐसी कविता को अच्छी कविता कह ही नहीं सकते जिसमें अपने युग की धड़कनें नहीं हो, अपने युग के धमाके नहीं हो। लेकिन धमाकों के लिए कविता अगर लिखी जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह अच्छी कविता ही होगी। इसलिए कविता में लिखते समय एक लेखक जब यह खुद महसूस करता है कि मुझ में क्या बदलाव आया, इस कविता को लिखने के बाद क्या मैं वैसा ही रहा या एक नए अनुभव से संपृक्त हो गया, वह अनुभव तात्कालिक रूप से गैर सामाजिक कहा जा सकता है, वह अनुभव तात्कालिक रूप से सामाजिक संबंधों से भिन्न कहा जा सकता है, वह एक पेड़ और वृक्ष और एक बीज के अंतर संबंधों का अनुभव भी हो सकता है, वह अनुभव एक बादल और एक नदी का संवाद भी हो सकता है, वह अनुभव एक मोबाइल और एक प्रेमी प्रेमिका का संवाद भी हो सकता है। लेकिन यदि वह कभी मानवीय सरोकारों से जुड़ा हुआ है, उसकी अंतश्चेतना में मानव मात्र के प्रति, समूची प्रकृति मात्र के प्रति एक संवेदना है, संवेदनशीलता का ट्रीटमेंट यदि उसके पास है क्योंकि वह कवि है, तो वह प्रेमी प्रेमिका के संवाद में भी वह सामाजिक परिवर्तन की धड़कनें सुनाई देगी, वह उस प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रति उनके ऊपर जबरदस्त लादे गए सामाजिक दबावों का भी विरोध वह कविता करेगी, सामाजिक प्रतिरोधों की धज्जियां उसकी कविता उड़ाएगी, सीधे सीधे वह
सामाजिक बदलाव के लिए भले उसने नहीं लिखी, उसने प्रेमी प्रेमिका संवाद के लिए उसने कविता लिखी है। तो मेरे कहने का आशय यहाँ यह है कि हर अच्छी कविता जो होती है वह न तो समाज शास्त्रियों के निर्देशानुसार चलती है, न धर्म शास्त्रियों के निर्देशानुसार चलती है, न काव्य शास्त्रियों के निर्देशानुसार चलती है, वह न बाजार के निर्देशानुसार चलती है। अगर बाजार के निर्देश के अनुसार चलेगी तो फिर वह बेस्ट का अनुसंधान नहीं करेगा, वह बेस्ट का संधान नहीं करेगा, वह बेस्ट सेलर का संधान करेगा। फिर बेस्ट और बेस्ट सेलर का अंतर इसमें से मिट जाता है, वह ख़त्म हो जाता है। और इसलिए जब एक अच्छी कविता हमारे सामने आती है या एक अच्छा कवि ईमानदार और संवेदनशील हमारे सामने आता है तो वह न केवल अपने समय को उस कविता में गूंथता है, अपने समय की आवश्यकताओं को गूंथता है, बल्कि आगामी युग की आहटें और आहटें नहीं अकलाहटें भी इसमें प्रतिध्वनित होती है, उसमें उसमें उस आगामी समय की अकुलाहट को भी हम सुन सकते हैं। आज हम कबीर को पढ़ते हैं, तुलसी को पढ़ते हैं तो 500 साल पहले, या संस्कृत के कवि शूद्रक को पढ़ते हैं, या हजारों साल पहले के भास को पढ़ते हैं, या वाल्मीकि को पढ़ते हैं तो आज की ध्वनियाँ और पगध्वनियाँ भी उन कविताओं में हम देख सकते हैं और 100 साल पहले के कवियों में भी हम देख सकते हैं। तो मेरे कहने का आशय यहाँ है कि जब एक कवि सामाजिक या एक कवि की कविता में हम सामाजिक बदलाव को देखते हैं तो क्या हम उस तरह देखते हैं कि एक संगीतकार के संगीत में हम सामाजिक बदलाव को देख रहे हैं, एक चित्रकार के चित्र में सामाजिक बदलाव को देख रहे हैं, एक शिल्पकार के शिल्प में सामाजिक बदलाव को देख रहे हैं, क्या उसी तरह देखते हैं, या एक राजनीति कर्मी के कर्म में सामाजिक बदलाव को देख रहे हैं उस तरह से कविता में देख रहे हैं। मेरा मानना है कि कलाएं और जितने भी उपक्रम जो मानवीय संवेदनशीलता से चलते हैं, मानवीय संवेदनशीलता के आधार पर जो उपक्रम रचे जाते हैं उनका ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से होता है। वे तात्कालिकता से ग्रस्त नहीं होते, वे तात्कालिकता और बहुत आक्रामकता से भी आक्रांत नहीं होते, वे एक अपनी गति से चलते हैं, वे एक अपने स्वभाव में चलते हैं। मुझे निराला का सन 1936 में एक संग्रह आया था, गीतिका, बड़ा प्रसिद्ध संग्रह था। निराला के हर संग्रह प्रसिद्ध हैं लेकिन इसकी प्रसिद्धि का एक बड़ी वजह, एक बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना वीणा वादिनी वरदे ये गीतिका की है, गीतिका की ही है। मेरी निगाह अभी यहाँ कुछ कमेंट्स पर पड़ रही है लेकिन मैं अभी इन कमेंट्स को पढ़ने लगूँगा तो मेरा जो तारतम्य है वो थोड़ा भंग हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि पहले मैं अपनी बात कह दूँ फिर इन कमेंट्स पर बाद में आऊँगा। तो निराला का सन 1936 में जब गीतिका आया तो नंद दुलारे वाजपेयी ने उसकी समीक्षात्मक भूमिका लिखी थी, और नंद दुलारे वाजपेयी की वो बात मुझे आज के प्रसंग में याद आती है। वो उसमें लिखते हैं कि मनुष्य अपने को चेतना संपन्न प्राणी कहता है, मनुष्य अपने को चेतना संपन्न प्राणी कहता है पर वह वास्तव में कितने क्षण सचेत रहता है। मनुष्य अपने को चेतना संपन्न प्राणी कहता है पर वह वास्तव में कितने क्षण सचेत रहता है, कितने क्षण वह चतुर्दिक फैली हुई सौंदर्य चेतना का अनुभव करता है।
वह तो अधिकांश आंखें मूंद कर ही अपना दिवस यापन करता है। और इस लाइन के बाद एक बहुत बड़ी बात नंदलाल वाजपेयी ने लिखी है, वह तो दिवस भर आंखें मूंद कर ही, वह तो अधिकांश आंखें मूंद कर ही अपना दिवस यापन करने का अभ्यस्त है, कविता उसकी आंखें खोलने का प्रयास करती है। कविता उसकी आंखें खोलने का प्रयास करती है, ये नंदुलारे वाजपेयी ने निराला की गीतिका की समीक्षा में लिखा। और कविता जब पहले कवि की और फिर जब पाठक की आंखें खोलती है, तब फिर सामाजिक बदलाव के जो अग्रनायक हैं, सामाजिक बदलाव की जो ध्वनियां हैं, उनको वह खुली हुई आंखों वाला व्यक्ति, वह कविता से दीक्षित हुआ व्यक्ति, वह कविता से संस्कारित हुआ मन, खुली आंखों वाला मन, उसकी चेतना की पंखुड़ियां खुल जाती है, तब उस पर सामाजिक बदलाव का जो अंकुरण होता है, जो परागण होता है, जो समाज के अग्रनायक करते हैं, जो समाज के महानायक करते हैं, तो वह बहुत अच्छे से होता है। और इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है, बल्कि मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक बदलाव का प्रत्यक्ष उपकरण कविता उतना नहीं निभाती जितना वह परोक्ष उपकरण बनकर मनुष्य की चेतना का उन्नयन करके वह सामाजिक बदलाव का उपकरण बनती है। वह उसके लिए एक उर्वर जमीन तैयार करती है, वह एक बड़ी जमीन उसके लिए तैयार होती है, और उस उर्वर जमीन में जब एक कविता को पढ़ने के बाद, निराला की कविता को पढ़ने के बाद, उसने इलाहाबाद में कितनी चीज़ें देखी होगी, संगम व्यक्ति ने देखा होगा, अल्फ्रेड पार्क देखा होगा, आनंद भवन देखा होगा, इलाहाबाद की वह शानदार उस जमाने की चौड़ी सड़कें और आच्छादित वृक्ष देखे होंगे, लेकिन जब निराला की आंख से उस घरे उस तपती धूप में उस पत्थर तोड़ती हुई सड़क पर पत्थर तोड़ती हुई कोई न वृक्ष छायादार, कोई छायादार वृक्ष नहीं है, और वह पत्थर तोड़ रही है, उस भिखारिन को देखता है, उस कविता को पढ़ता है, उसने हजारों बार उससे पहले उस भिखारिन को देखा होगा, भिखारिन क्षमा करें, उस मजदूरिन को देखा होगा, हमने सैकड़ों बार सड़कों पर पत्थर तोड़ती हुई मजदूरिन को देखा होगा, मजदूरों को देखा होगा, अभी भी हम सर्राटे से निकल जाते हैं, लेकिन जब निराला की कविता को उसको पढ़ते हैं, वह तोड़ती पत्थर पढ़ लेते हैं, और वह कविता जब हमारे हृदय में छप जाती है, हमारे मस्तिष्क में उस कविता से हम आक्रांत हो जाते हैं, कविता हमको घेर लेती है, चौतरफा घेर लेती है, तो मेरा दावा है कि कभी भी हम किसी मजदूरिन को अगर हम पत्थर तोड़ते हुए देखेंगे, गिट्टियां तोड़ते देखेंगे, और वहां कोई छायादार वृक्ष नहीं होगा, धूप में वो गिट्टियां तोड़ रही होगी, तो निराला की कविता याद आएगी। निराला की कविता से सचेत हुआ हमारा जो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा, कविता हमारी उस आंख को खोल देती है, उस मजदूरिन की देखने वाली आंख को खोल देती है, तो वो मजदूरिन हमको अब कुछ अलग तरीके से दिखेगी, जिस तरह से पहले कभी मजदूरिन नहीं दिखी थी, क्योंकि हमने उस निराला की कविता को पढ़ा है। यह तुलसीदास के जीवन को हमने जीवन को सुना है, पढ़ा है, लेकिन जब महाप्राण निराला की तुलसीदास कविता पढ़ते हैं, सांस्कृतिक संघर्ष पढ़ते हैं उसका, और तुलसीदास की जीवनी को पढ़ते हैं और उसको उतार चढ़ाव को पढ़ते हैं, तब फिर तुलसी की चेतना हमको एक अलग तरीके से तुलसीदास के दर्शन कराती है, निराला की आंख के माध्यम से कराती है, और फिर हमको लगता है कि हम एक नए तुलसीदास को देख रहे हैं, एक नई राम की शक्ति पूजा को देखते हैं, और इस तरह से हम एक सामाजिक कविता न होते हुए भी, प्रत्यक्षतः सामाजिक कविता न होते हुए भी, प्रत्यक्षतः पानी और घाट के संबंधों की कविता होते हुए भी, पानी किस तरह से चुपचाप बदलता है, बदलता रहता है पानी, नंदकिशोर आचार्य की कविता है, मुझे कविता पूरी तरह याद नहीं आ रही है,
पर चुपचाप कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रक्रिया बाहर से नहीं दिख रही है, लेकिन पानी चुपचाप बदल रहा है। और उस पानी के चुपचाप बदलने में कितना पानी बदल गया, हम उस परिवर्तन को देख पाते हैं। तो कविता बनकर, हमारी अंतश्चेतना का अंग बनकर, एक उर्वरा भूमि, एक अनुकूल भूमि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बदलाव के लिए तैयार करती है। अन्यथा, अन्यथा तो रात भर चीख पुकार भरे कवि सम्मेलनों में हम लोग बैठे हैं, देखा है हम लोगों ने, उनसे कितनी देशभक्ति जागृत होती है। हंसी ठाके हंसी ठट्टों से भरे कवि सम्मेलनों, कविताओं, लुभावने रात भर आप आनंद से बैठे रह सकते हैं, मस्ती में झूम सकते हैं। ऐसे कवि सम्मेलनों से हम कितनी सामाजिक बदलाव की भूमिका तैयार कर सकते हैं। तात्कालिक रूप से भी प्रभावित करते हैं, हमको गुदगुदाते हैं, हमको उत्तेजित करते हैं, एक भावोत्तेजन पैदा करते हैं। उस समय हमको लगता है कि कल तो हम सब कुछ बदल के रख देंगे, लेकिन सच में क्या वह कल आ सकता है ऐसी कविताओं से, जो केवल भावोत्तेजन करती है, जो केवल एक सनसनी फैलाती है, जो केवल एक उत्तेजना और सनसनी दे सकती है वे कविताएं, जो नारे की तरह होती हैं, वस्तुतः एक राजनीतिक नारे की तरह काम आती हैं, वे एक समूह को कुछ समय के लिए मूर्छित कर सकती हैं। वे मूर्छित तो कर सकती हैं कविताएं, लेकिन जो सच्ची कविता होती है, जो एक बड़ी कविता होती है, वह हमारी संवेदना के स्तर पर कार्य करके, आज की पढ़ी हुई कविता 20 साल बाद खुलती है तो 20 साल बाद मेरी अंतश्चेतना में जगती है। मैं 20 साल बाद एक प्रसंग में पढ़ रहा था शमशेर की कविता का प्रसंग था, और किसी सुधी आलोचक ने लिखा था, लौट आ ओ पंखुरी, टूटी हुई पंखुरी। और वह एक संस्मरण मैंने पढ़ा था, 20 साल बाद उस कवि को लगा कि यह टूटी हुई पंखुरी को वापस फूल की तरफ लौट आने की जो गुहार है, जो एक तड़प है, जो एक पुकार है, वह कितनी गहरी है, वह कितने दशकों बाद उस कवि के, उस पाठक के, उस आलोचक के लिए खुली। यह एक संस्मरण अचानक मुझे याद आया है, कहाँ का है मुझे याद नहीं है। हालांकि ऐसी चर्चाओं में ऐसे अपुष्ट और टप्पेबाजी वाले संस्मरण नहीं सुनाने चाहिए, लेकिन खैर मुझे अचानक याद आ गया तो मैंने कहा कि अंत में मैं एक बात कह के कि कविता के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की जो भूमिका है, वह एक पौधे, और वो दिखती नहीं है जड़, और उस जड़ का, उस भूमिका का अग्रमोर्चे पे न दिखाई देना ही उसका स्वस्थ रहने का लक्षण है। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा मित्रों कि यह जो अग्र मोर्चे पर न दिखाई देने का उसका स्वभाव है कविता का, यही उस कविता को बचाता है, उसमें प्राण सुरक्षित रख सकता है, उसकी जीवनी शक्ति को सुरक्षित रखता है। जड़ों की तरह अदृश्य और ओझल रहते हुए कविता जितना समाज एक परिवर्तन के लिए, जितना समाज के लिए, मनुष्य की चेतना के लिए रस जुटा सकती है, धरती से खनिज लवण जुटा सकती है, धरती से पोषण जुटा सकती है, जीवन का रस जुटा सकती है, वही उसका वास्तविक काम में होता है। यदि कविता भी, यदि वह जड़ भी पत्तों की तरह, फूलों की तरह, डालियों की तरह बाहर दिखने और हवा में झूमने का शौक यदि पाल बैठे, उसको भी ये चस्का लग जाए,
कि मैं भी पत्तों की और डालियों की और फलों फूलों की तरह हवा में मस्ती करूं, तितलियों के साथ बावरों के साथ अटखेलियां करूं, तो आप समझ लेना कि वह पौधा जड़ ने यदि शौक पाल लिया और ये आदत पैदा कर ली, तो वह पौधा ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। आपने मेरी बात बहुत, जितने भी लोग हैं उन्होंने धैर्य पूर्वक सुनी, इसके लिए आपका साधुवाद। और अब मैं कुछ कमेंट्स आपके देखता हूँ। लहरी जी, हंस तंवर जी, ममता जी हैं, लक्ष्मण रामानुज जी ने बड़े सार्थक और विचारपरक इसमें कमेंट किए हैं। देवेंद्र जी ठीक कह रहे हैं कि आजकल बाजार की मांग के अनुसार कविता लिख भी रहे हैं। दुर्भाग्य है कि वे कविताएं तात्कालिक तो चलेंगी, और कवि सम्मेलनों में तो होता भी रहा है ऐसा, लेकिन आज कितने लोग, बिल्कुल मुझे क्षमा करें, काका हाथरसी या निर्भय हाथरसी के संग्रहों को, या मैंने नहीं सुना कि कभी निर्भय हाथरसी, जो किसी जमाने में सबसे बड़ा पैकेज जिनका रहता था, और आज मेरा दावा है कि जिनका सबसे बड़ा पैकेज है बाजार की मांग के अनुसार, वे 50 साल बाद कोई उनके संग्रह को पूछेगा भी। लेकिन जिस बद्रीनारायण प्रेमधन का नाम भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, भारतेंदुकालीन कवि, या श्रीधर पाठक का नाम आज के कवि न जानते होंगे, लेकिन उस जमाने की कविता को समझने के लिए वह व्यक्ति खोद खोद कर उसको पढ़ता है, उसके पास जाता है। लहरी मीणा हमारे मित्र हैं, जो आजकल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हर अच्छी कविता अपने युग की धड़कनों और धमाकों को लेकर चलती है, मालवीय मूल्य ये आपने कहा है कमेंट के अंत में। मैं बिल्कुल देवेंद्र जी की बात मैं कर ही रहा हूँ। तारतम्यता है निश्चित रूप से, सच्ची कविता कैसी हो। चेतन जी प्रणाम। सुरेंद्र जी सोनी लिख रहे हैं कि कविता अहिंसक प्रतिरोध करती है। निश्चित रूप से कविता का बहुत प्रेमल प्रतिरोध होता है, और इसलिए चूंकि वह प्रेमल होती है, प्रेम से भरी हुई होती है, सत्य से भरी हुई होती है, इसलिए अहिंसा उसमें आ ही जाती है। अहिंसा के बिना वह रह नहीं सकती। यद्यपि सत्य और प्रेम उसके दोनों तत्व है, इसलिए जितनी हिंसा भी यदि उसमें होती है तो वह सत्य और प्रेम की रक्षा के लिए होती है। जो भी वह उतनी हिंसा, कविता हिंसा मानवी और उस अभिधात्मक रूप में नहीं, हिंसा शाब्दिक हिंसा के रूप में भी मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए जितनी हिंसा अनिवार्य है, कविता के लिए उतनी हिंसा जायज है, अन्यथा तो वह अहिंसक होती ही है। ठीक है लहरी जी, जड़ों का अदृश्य रहना हितकारी है, यह आपने मेरी बात को आशावत जी ने पुष्टि की है, धन्यवाद आशावत जी। और अंत में चेतन जी का कमेंट पढ़ने के बाद, कि चेतन औदिच्य कह रहे हैं कि जड़ों की तरह उज्जवल रहते समाज को रस देती रही कविता पर यह विरल व्यंजना रखी सर, आत्मचरित्र पर इतनी सशक्त बात के लिए, कविता के लिए चेतन भाई साधुवाद कर रहे हैं। मैं चेतन भाई को नमन करता हूँ। और कविता अहिंसक प्रतिरोध करती है, वापस लक्ष्मण रामानुज जी ने कहा है, मैं इस पर अपनी टिप्पणी कर चुका हूँ। और इसके बाद यदि कोई बात आप लोग कहते हैं, या इस पर मैं देखने से, इस पटल पर देखने से मैं चूक गया या कुछ छूट गया हो, तो मुझे क्षमा करते हुए पुनः आप अपना कमेंट या अपनी बात कह सकते हैं। हम सभी श्रोताओं और दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, अपनी बात का समापन करता हूँ। धन्यवाद।